आगरा शहर में महापौर के द्वारा और स्कूल एसोसिएशन और नफसा के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है 14 तारीख को नगर निगम में, जिसमें करीब 3000 बच्चे लगभग भाग ले रहे हैं। और उसमें ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को अवेयर कराएंगे गंदगी को हटाने के लिए। केवल हम अपना शहर स्वच्छ चाहिए, इसलिए बच्चों के माध्यम से हम लोग इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चे क्या, एक हमारी एक पीढ़ी है और वो पीढ़ी क्या करती है, नई पीढ़ी ही सबसे ज़्यादा काम करती है। बच्चे किसी बड़े को टोकते हैं, कोई गंदगी करता है तो बच्चे की बात सुनी जाती है, बड़े लोग कहेंगे तो एक हो सकता है बुरा लगता है लोगों को, मगर जब बच्चे कहते हैं अंकल आपने ये गंदगी कर दी, आप अंकल आप यहाँ कूड़ा डाल लें, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है कि हमें एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी सीख दे रहा है। शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए आगरा नगर निगम द्वारा स्वच्छता का एक महाअभियान शुरू किया गया 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक, जिसे हमारे महापौर नवीन जैन जी ने कूड़े से आज़ादी का नारा दिया। मेयर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ आगरा नगर निगम के साधन संसाधनों से हम 100% परिणाम नहीं पा सकते, इसलिए उन्होंने शहर को जोड़ने का प्रयास किया और एक नारा दिया, मेरा शहर मेरा योगदान। मेयर साहब ने खुद नवीन जी ने शहर की प्रमुख संस्थाओं से संवाद किया कि आप आगे बढ़ें, इस अभियान में सहयोग दें, किसी ना किसी रूप में जुड़ें। तो काफ़ी संस्थाएँ आगरा नगर निगम से जुड़ रही हैं। क्रेडाई का जैसे आपको बताया था 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक क्रेडाई के बाद नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा यानी नफसा, नगर आयुक्त और महोदय और महापौर नवीन जैन के द्वारा जो ये बीड़ा उठाया गया है, नफसा जो एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है, आपके 51 स्कूल हैं, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे हैं उनकी तुलिका के माध्यम से एक संदेश जाए, और ये कोशिश की जा रही है कि जो शहर के अंदर गंदगी है, जो अभी तक हम देखते हैं कि सड़कों में गंदगी पाई जाती है, जिसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं, तो उनके माध्यम से यदि पहुँचती है तो हमारे माँ बाप के बीच में चर्चा करेंगे कि आज हम ड्राइंग पेंटिंग इसलिए करके आए हैं कि हम गंदगी ना करें, हम शहर के अपने घर के बाहर गंदगी ना करें, घर के अंदर सब सफाई करते हैं, तो हकीकत है, मगर घर के जैसे निकलता है तो कूड़ा फेंकने की कोशिश करता है, मगर कूड़े को कहीं कहाँ कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ व्यवस्था करना चाहिए, और क्योंकि कूड़े से जो शहर में नुकसान है उसकी अभी तक